हेलो सभी, कैसे हो? आज हम बना रहे हैं विच। इधर कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने एक रेफरेंस लगाया है मॉडल का, जिससे मैं उसका पोस्चर को कॉपी किया है। देन उसके बाद मैंने एक विच को क्रिएट किया है जो कि अपने स्टाइल में बैठी हुई है। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द फीचर्स, उसके हेयर्स, उसकी कॉस्ट्यूम कैसी होगी, तो उसके अंदर मैं चीज़ों को ऐड ऑन कर रही हूँ। जो कद्दू होता है, उसकी प्लेसमेंट, क्या वो लड़की उस कद्दू के ऊपर बैठी हुई है या उसके हाथ उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से इस लेआउट को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्कल उसकी बेल्ट में ऐड किया है। देन आई डिसाइडेड कि मैं बहुत सारे जो कद्दू है मैं उसके बैकड्रॉप में डाल दूंगी। और जैसे विच के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसका कैप हो गया, उसकी झाड़ू हो गई, जैसे विच के साथ बिल्ली होती है, तो इस तरह के प्रॉम्प्ट मैं उसके यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से मैं एक रफ स्केच को क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी एक फाइनल आउटलाइन करूँगी ब्लैक कलर में। सो यहाँ पे अभी स्क्रिबलिंग चल रही है। जैसे ही स्क्रिबलिंग कंप्लीट हुई तो इसको मैं अब इसका रेजोल्यू अब मैं जो ये कैट है उसको उसकी प्लेसमेंट देख रही हूँ कि कहाँ पे फिट हो सकती है। अब उसकी ओपेसिटी कम करके मैंने क्या किया, अब उसकी जो फाइनल फाइनल आउटपुट है अब मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई डू, ये मेरे तरीका है काम करने का। तो अब जैसे कद्दू है, अब कद्दू की फाइनल आउटलाइन हो रही है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग मेरे लिए जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो उसका इंकिंग पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कामनेस देता है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़, मैं अब कलर ब्लॉकिंग कर रही हूँ पर्टिकुलर एरिया को, पूरे को उसके चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट करके उसके अंदर कलर ब्लॉकिंग की जाती है। और जो ये इलस्ट्रेशन है मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ प्रोक्रिएट में। एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जब आप कलर ब्लॉकिंग करते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सो यू कैन पुट सम सूदिंग म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, लिसन इट एंड एन्जॉय दिस प्रोसेस। नाउ अब ये कैट के ऊपर कलर कर रहे हैं। अब जैसे कद्दू को एक एज ए जैसे हम एकदम डेविल एक्सप्रेशन होते हैं, तो मैंने कद्दूओं में वो ऐड किया है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने लाइट के अकॉर्डिंग मैं शेडो ऐड कर रही हूँ। जैसे पीछे बहुत सारी रोशनी है क्योंकि कद्दूओं के अंदर रोशनी को मैंने शो किया है, तो जब हमारे पीछे से अगर लाइट जाती है तो आगे को अंधेरा दिखता है और जो उसके एजेस होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। तो मैं उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है टू क्रिएट द शेडो। सो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके जो कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड पॉइंट होता है उसके ऊपर मैंने कहीं पे थोड़ा 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 टचअप दिया है हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो हाईलाइट पार्ट है वो और ब्राइट निकल के आए।